वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है 4 विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 13 में किया था कि हम लोगों ने जो भी कॉमन वैल्यू रहती है एक किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे x प्लस 3 था, यहाँ पे x प्लस 3 था, तो हम लोगों ने उसको y मान लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इस इक्वेशन में कॉमन है, सिमिलर वैल्यू मिल रही है, तो हम लोग इसको y मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ट्रिक, व्हाई वी आर डूइंग दिस, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, पहले इसको y की तरह हम लोग मान के सॉल्व करेंगे और बाद में ये y की जो वैल्यू है वो हम लोग वापस इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब y रखने के बाद वैल्यू क्या बन जाएगी, 4y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या है y, देन y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बिकम 4y स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे लिखें 8y प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 8y प्लस 7y हो जाएगा माइनस y, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बिकम 14। 8 और 7 को मल्टीप्लाई जब करेंगे और फिर इसको हम लोग अगर देखें तो क्या कॉमन मिलेगा, 4y कॉमन मिलेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 2, इधर भी y माइनस 2 कॉमन मिलेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी y माइनस 2 और एक इक्वेशन बन जाएगी 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, हम लोग ने इस इक्वेशन को कितना सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में ला दिया। नाउ अब ये टाइम आ गया है कि आप सब्स्टिट्यूट, मतलब ये जो हम लोगों ने y माना था 2x माइनस 3 को, वो यहाँ पे वैल्यू वापिस रख दें। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y हियर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, पहली ट्रिक ये थी, ठीक है, और दूसरी ट्रिक यहाँ पे है, बहुत ध्यान से यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये उतना इजी नहीं है जितना लग रहा है, कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। y की वैल्यू क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस 3 और माइनस 2 विद इन ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 4y, तो पहले ये ब्रैकेट लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, अब y की जगह पे आपको ये लिखना है 2x माइनस 3, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के फिर आपको लिखना है। ठीक है, और फिर प्लस 7 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी, अगर आपने इसको ब्रैकेट नहीं लगाया तो पक्का ये सवाल गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाने से आपको क्लियरिटी मिलेगी और वही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 8x माइनस 4 3 जा 12 प्लस 7। ठीक है,
इज इक्वल टू जीरो और ये भी हमारा इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, 2x-5 और ये क्या हो जाएगा 8x-5 इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, इधर 2x-5 इज इक्वल टू जीरो, तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी 5/2, 5 इधर आए और 2 फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू हम लोग मानते हैं 8x-5 इज इक्वल टू जीरो, देन उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/8। ठीक है, आपको ये पता नहीं ये मैं कैसे किया, कि मैं एक स्टेप और लिख दूं, मतलब ये मैं लिख ही देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और बाद में x इज इक्वल टू 5/2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 5 और बाद में ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, एक वैल्यू हो सकती है 5/2 और एक हो सकती है 5/8, और ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का।